हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल कक्षा। आई एम शिवम वाजपेयी एंड टुडे साइंस लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिसीज। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिसीज। वी विल डिस्कस अबाउट डिसीज इन टू पार्ट्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ अ डिसीज एंड सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू डिसीज एंड टाइप्स ऑफ डिसीज एज वेल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं डिसीज़ क्या होती है। अ डिसीज़ इज़ अ कंडीशन इन विच आर बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट डज नॉट फंक्शन। ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। जब भी हमारी बॉडी में डिसीज़ का अगर आप ब्रेक करोगे ना, ईज़ मतलब होता है जब आप कंफर्ट हों, कंफर्टेबल फील करें, है ना। जब आपकी बॉडी फिट होगी, हेल्दी होगी, तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं ना, आपकी बॉडी एक्टिव रहती है ना, वीकनेस नहीं फील होती है, दर्द नहीं होता बॉडी में। लेकिन जब डिसीज़ होती है, डिसीज़ मतलब डिसकम्फर्ट, तो एक डिसीज़ में क्या हो जाता है, आपकी बॉडी में पेन होता है ना, हेडेक होता है आपको, और भी कई सारे सिम्टम्स हैं, फीवर आ जाता है। सो इसकी वजह से बॉडी क्या हो जाती है, एक अनकम्फर्ट जोन में चली जाती है ना, हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है एक तरीके से। सो इसीलिए बोला गया डिसीज़ क्या होता है, जब हमारी बॉडी का कोई पार्ट या पूरी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर दे, ठीक से फंक्शन ना करे अच्छे से, तो उसको बोलते हैं हम डिसीज़। जैसे मशीन्स होती हैं, तो मशीन्स का जैसे कोई पार्ट बेकार हो जाता है ना, तो बोलते हैं हम ये मशीन डिफेक्टेड हो गई या मशीन ख़राब हो जाती है ना। कार है, बाइक है, ये चलना बंद कर देती हैं अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इनको यूज़ करते हैं या प्रॉपर अमाउंट में इनकी केयर नहीं करते हैं। तो उसी तरह से हमारी बॉडी भी फंक्शन करती है जस्ट लाइक मशीन, अगर हम इसको प्रॉपरली बैलेंस डाइट वगैरह नहीं लेते हैं, प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कराते हैं, तो हमारी बॉडी में भी डिसीज़ क्रिएट होने लगते हैं। टाइप्स ऑफ डिसीज़ होती हैं हमारी दो तरह की, एक नॉन कम्युनिकेबल, दूसरी कम्युनिकेबल डिसीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती। ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, एंड कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं, जो स्प्रेड हो जाती हैं एक से दूसरे में। सो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या है, डिसीज़ दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल और नॉन कंटेजियस डिसीज़। इनको हम नॉन कंटेजियस डिसीज़ भी बोलते हैं। ओके, सम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किसकी वजह से होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जो हम न्यूट्रिएंट्स, जैसे हम प्रॉपर अगर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, तो हमारी बॉडी में विटामिन, फैट या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब की क्या हो जाती है, हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो जाती हैं हमको, और इनको हम डिफिशियंसी डिसीज भी बोलते हैं। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज। सो डिफिशियंसी डिसीज के कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। पहला है मैरास्मस। मैरास्मस एक डिसीज़ है जो कि होती है किसकी कमी से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी से। इसको हम मैल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, जब हमारी बॉडी में हमें प्रॉपर फूड ना मिले या बैलेंस डाइट ना मिले, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाती है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है मैरास्मस, प्रोटीन की कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए और फैट की कमी से। तो मैरास्मस एक डिसीज़ का नाम है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जो चाइल्ड होता है उसकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है एंड थिन हो जाती है, काफ़ी पतली हो जाती है ना, स्किन जो बोन्स हैं बॉडी की वो दिखने लगती हैं। रिब्स ऑफ चाइल्ड आर सो विजिबल, जो चाइल्ड है उसकी क्या होती है, बॉडी की जो रिब्स हैं, रिब्स मतलब जो लंग वाला पोर्शन होता है ना, वो जो हड्डियाँ होती हैं फेफड़े के बाहर, उनको हम रिब्स बोलते हैं। तो रिब्स काफ़ी दूर से दिखने लगती हैं। फूड्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सो कौन कौन से फूड्स हैं, राइस, वीट्स, पोटैटोज, मेज़, हनी, घी, मिल्क। तो इन सारे फूड्स में क्या होता है, प्रोटीन मिल जाएगा हमें इनसे, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे, फैट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इन फूड्स में अवेलेबल होती हैं। राइस से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, वीट से भी मिलता है, पोटैटो से भी मिलता है ना, मेज से भी मिलता है, हनी से भी मिलता है, हनी से आपको है ना, इसी तरह से घी से आपको क्या मिलेगा, फैट। ओके, फैट एंड विटामिन, क्योंकि मिल्क से भी प्रोड्यूस होता है ना, और मिल्क से हमें प्रोटीन मिल जाता है। तो ये सारे फूड्स हैं जो हमें बचाएंगे मैरास्मस डिसीज़ से। ये डिसीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो चाइल्ड आप देख रहे हैं, इसकी रिब्स आपको क्लियरली विजिबल हैं, बॉडी काफ़ी थिन हो जाती है ना, एंड आईज जो हैं, आईज में हल्के से स्वेलिंग टाइप की आ जाती है। ओके, पुअर ग्रोथ, बहुत वीक हो जाती है बॉडी इसमें हमारी। नेक्स्ट डिसीज़ है हमारे पास क्वाशियॉर्कर। ओके, सो क्वाशियॉर्कर डिसीज़ क्या होती है, ये बेसिकली होती है हमारी प्रोटीन की कमी की वजह से। तो हमारी बॉडी में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है, तब ये डिसीज़ होती है। सिम्टम्स क्या हैं इसमें, द एब्डोमेन ऑफ चाइल्ड गेट स्वेलन, जो एब्डोमेन वाला पार्ट है, एब्डोमेन यानी पेट, एक तरह से स्टमक बोल सकते हैं, जो डाउनवर्ड पार्ट होता है स्टमक के, हल्का सा नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एब्डोमेन। तो वो काफ़ी स्वेल हो जाता है और बाहर निकल आता है, ठीक है। लेग्स बिकम थिन, पैर काफ़ी वीक हो जाते हैं। इसमें इससे बचने के लिए हमें कौन से फूड लेने चाहिए, तो आप देख रहे हो किसकी कमी से होता है, ये प्रोटीन की कमी से। तो ऐसे फूड कंज्यूम करने चाहिए जो प्रोटीन जिनमें हो। ऐसे कौन से फूड होते हैं, एग्स,
फिश, मीट, सीरियल्स, है ना, पल्सेस, सोयाबीन, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट वगैरह जो भी हैं, पनीर है, घी है, ओके। सो ये सारे फूड्स अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हम इस डिसीज़ से बच सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर, इस तरीके से हमारी बॉडी बन जाती है। अगर क्वाशियोरकर डिसीज़ होती है तो चाइल्ड का देख रहे हैं आप, लोअर एब्डोमिन बाहर की तरफ निकल आता है और लेग्स वीक हो जाते हैं काफ़ी। एनीमिया, एनीमिया को बोलते हैं हम खून की कमी, लिखा है वेरी लो आरबीसीज। सो खून बनाने के लिए कौन सी होती हैं, ब्लड क्रिएट करती हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स ना, सो इनकी कमी हो जाती है जिसको हम खून की कमी भी बोलते हैं। ये किसकी कमी की वजह से होता है, आयरन की कमी की वजह से होता है। अगर हमारी बॉडी में आयरन जो है, आयरन क्या है, एक तरीके का मिनरल है, ओके। सो आयरन मिनरल की कमी की वजह से हमारे अंदर बॉडी में क्या क्रिएट हो जाती है, एनीमिया डिसीज क्रिएट हो जाती है। सो इसमें क्या होता है, बॉडी में दर्द होता है, वीकनेस आती है, स्किन में हल्का सा येलोइश हो जाती है, स्किन पीली पीली हो जाती है, ठीक है। एंड फूड्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स आर, इसमें कौन कौन से फूड्स हैं जिनमें आयरन अवेलेबल होता है, एग्स हैं, पल्सेस हैं, डेट्स, डेट्स मींस खजूर, ओके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, स्पिनच में काफ़ी क्वांटिटी में आयरन पाया जाता है। तो एनीमिया से बचने के लिए आपको ये सारे फूड्स कंज्यूम करने चाहिए, अपनी डाइट में रखने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, सो क्या हो जाता है, आईज येलो हो जाती हैं, स्किन में पेलनेस आ जाती है, कोल्डनेस हो जाती है, येलो हो जाती है स्किन आपकी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, मस्कुलर वीकनेस आ जाती है हमारी बॉडी में, काफ़ी सारे सिम्टम्स इसमें दिखाए गए हैं। सेंट्रल फटीग है ना, आँखों में मतलब वीकनेस ही रहती है पूरी बॉडी में एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है, काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं इसके। गोइटर, सो गोइटर होता है हमारा आयोडीन की कमी से, जब हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें ये डिसीज़ होती है गोइटर। सो स्वेलिंग इन थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट नियर नेक रीजन, तो गले के पास काफ़ी सूजन आ जाती है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है गले के पास हमारे। इसके लिए हम क्या क्या कंज्यूम कर सकते हैं, फिश है, सी फूड्स, सी फूड्स जो होते हैं, जितने भी सी से हमें जो फूड मिलते हैं वो सारे, आयोडाइज सॉल्ट, सॉल्ट आयोडीन वाला सॉल्ट हम कंज्यूम करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेडी हैं इनके गले में देख रहे हैं आप, नेक के पास काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया है ना, थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, स्वेलिंग आ गई है, सो दिस इज कॉल्ड गोइटर। देन वी हैव इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ्स, सो बोन्स एंड टीथ्स का डेवलपमेंट, ये सारे हमारे बने होते हैं बोन्स और टीथ्स किससे बने होते हैं, नेल्स, बोन्स, टीथ्स, इन सब में क्या होता है, कैल्शियम अवेलेबल होता है, तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ये दो मिनरल्स की कमी की वजह से होते हैं, ठीक है। सो इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ्स इट इज़ कॉज बाय कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इनकी कमी की वजह से हो जाती है ये डिसीज हमको, इसको हम डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम भी बोल सकते हैं। द बोन्स एंड टीथ बिकम वीक एंड ब्रिटल, काफ़ी वीक हो जाती हैं बोन्स हमारी। इसमें कौन कौन से हम फूड कंज्यूम कर सकते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क में हमारा कैल्शियम होता है आपको पता ही है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम कंज्यूम करते हैं इसके लिए, फिश है, पल्सेज हैं, नट्स हैं, इन सभी को हम अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो हम इस डिसीज़ से क्या हो सकता है, बच सकते हैं। प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी को कैल्शियम और फॉस्फोरस मिल जाएगा तो हम इस डिसीज़ से बच सकते हैं, हमारी बॉडी को बचाया जा सकता है। सो नट्स हैं, नट्स में आप आलमंड्स है, कैश्यूज हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं बोन में प्रॉब्लम हो जाती है, नेल्स में और टीथ में प्रॉब्लम आ जाती है, ओके। नेक्स्ट डिसीज़ है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, ये बेसिकली होती है विटामिन ए की कमी से, ओके। विटामिन ए की जब हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है हमको, जिसमें हमको शाम को कम दिखता है जब डिम लाइट होती है। सो पर्सन कैन नॉट सी इन डिम लाइट इन दिस डिसीज़। व्हाट काइंड ऑफ फूड यू कैन कंज्यूम, मिल्क, कैरेट, स्पिनच, पपाया, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सो दीज आर फूड्स विच यू कैन कंज्यूम टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस से बचने के लिए आप ये सारे फूड कंज्यूम कर सकते हैं, अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, ओके। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं हल्का सा ब्लर टाइप का दिखता है, जो भी पर्सन होता है इस डिसीज से अफेक्टेड उसको शाम को थोड़ा कम दिखता है, कम रोशनी में। नेक्स्ट है हमारे पास बेरी बेरी, ओके। सो बेरी बेरी जो डिसीज़ है ये होती है हमारी विटामिन बी की कमी से, ओके। बी से बेरी बेरी एंड बी से विटामिन बी, सो इससे आपको याद रखने में आसानी होगी, बी से बेरी बेरी। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें हमारी स्किन जो है बहुत ड्राई और स्कली हो जाती है, बहुत पतली सी स्किन हो जाती है और काफ़ी वीकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और हमारे नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करती है ये। फूड्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से फूड्स कंज्यूम किए जा सकते हैं, मिल्क, एग, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, सो ये सारे हम फूड्स कंज्यूम कर सकते हैं बेरी बेरी से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द पर्सन हैज़ बिकम वेरी वीक, यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी वीक हो जाती है बॉडी बिल्कुल। इस नेक्स्ट है हमारे पास स्कर्वी।
स्कर्वी डिसीज़ जो होती है वो विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी से हमारे जो होते हैं ना स्वेलिंग्स आ जाती हैं गम्स में, जो मसूड़े होते हैं उनमें स्वेलिंग्स आना, ब्लीडिंग होना, ये सब किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। फूड्स कौन कौन से हैं? फूड्स इसमें जो खट्टे फल जितने भी होते हैं ना, खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं जिनमें सिट्रिक एसिड ज़्यादा होता है, जैसे आंवला है, टमाटोज हैं, सिट्रस फूड्स लाइक लेमन, ऑरेंज, ये सब क्या होते हैं? इनमें विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पर्सन की जो टीथ हैं वो काफ़ी वीक हो गए हैं, मसूड़ों में से ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट डिसीज़ है हमारे पास रिकेट्स। ओके, रिकेट्स इज़ बेसिकली कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं रिकेट्स के? बाव लेग्स, मतलब पैर जो होते हैं मुड़ जाते हैं, बेंट हो जाते हैं, और बेंडिंग ऑफ स्पाइन, जो हमारी स्पाइन है वो बेंट हो जाती है। इसमें फूड्स कौन कौन से हम कंज्यूम कर सकते हैं? मिल्क, फिश, एग्स, सनलाइट। सनलाइट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। ओके, सो विटामिन डी कंज्यूम करने के लिए हमको सनलाइट के सामने एक्सपोजर, जैसे मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है ना, जब सनराइज़ होता है या सनसेट के टाइम पर जो सन रेज आती हैं, उनको हमें कंज्यूम करना चाहिए, उनके सामने एक्सपोज करना चाहिए अपनी बॉडी को, तो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है विटामिन डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकेट्स में इस तरह से पैरों का स्ट्रक्चर इस तरह का हो जाता है, काफ़ी गैप क्रिएट हो जाता है पैरों के बीच में। ओके, सो आई होप डिफिशियंसी ऑफ डिसीज चैप्टर इज क्लियर टू ऑल। डिफिशियंसीज है ना, इसका जो सेकंड पार्ट है डिसीज का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर डिजिटल कक्षा। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। गुड बाय, टेक केयर।